टेन थाउजेंड रुपीज एक ऐसा बजट है इस बजट में अच्छा अच्छा फोन लॉन्च नहीं होता है लेकिन जब सेल आता है बहुत सारे फोन का प्राइस ड्रॉप होकर टेन थाउजेंड रुपीज के अंदर चला आता है तो सही मौका है भाई नया फोन परचेस करने का ऐसे भी दिवाली का जो सेल है वो स्टार्ट हो चुका है अगर आप इस सेल में नया फोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो अगर आपका बजट है टेन थाउजेंड रुपीज तो सही मौका है भाई नया फोन परचेस करने का आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसे टॉप फाइव फोन जो आता है टेन थाउजेंड रुपीज में जो एक से बढ़कर एक रहने वाला है फाइव फोन भी आपको मिल जाएगा टेन थाउजेंड के अंदर तो चलिए दोस्तों मेरे लिस्ट में कौन सा कौन सा फोन आता है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ शुरुआत करते है मेरे लिस्ट की पहला फोन से आप भी शुरुआत कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे लिस्ट का जो पहला फोन रहने वाला है वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी Narzo 50 है। इस सेल में इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है रहने वाला है नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन रुपीज और ये जो फोन है बहुत ही अच्छा सा स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है जैसे कि 6.5 इंच एच डी प्लस आईपीएस एल पैनल के साथ आ रहा है और यहाँ पर मीडिया टेक की तरफ से G85 चिपसेट आप बहुत ही आराम से फ्री फायर में जैसा गेम को खेल सकते हो फोन के पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप प्राइमरी जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल, पिक्सल टू टू करके दो सेंसर रहने वाला है और इसका जो सेल्फी कैमरा रहने वाला है एट मेगापिक्सल सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव एम ऑडियो चेक रहने वाला है और ये जो फोन है साइड वन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है सिक्स थाउजेंड एमएच का बैटरी है और इनबॉक्स आ रहा है एटीन वाट का एडेप्टर के साथ अगर आप रियलमी के लवर्स हो अगर आपका बजट है बहुत ही टाइट तो आप रियलमी नार्जो फिफ्टी ए को परचेस कर सकते हो आपको रियलमी जैसा ब्रांड का फोन अच्छा नहीं लगता है आप Samsung के लवर्स हो तो मेरे लिस्ट में जो सेकंड फोन रहने वाला है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सीन थर्टीन बहुत ही अच्छा सा फोन रहने वाला है अंडर टेन थाउजेंड रुपीज में इसका जो प्राइस रहने वाला है इस सेल में टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रूपीज फोन जो स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है बहुत ही अच्छा रहने वाला है सिक्स पॉइंट सिक्स इंच फुल एच डी प्लस पी एल एस डिस्प्ले के साथ आ रहा है और यहाँ पर रहने वाला है कॉलिंग गुल प्रोटेक्शन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है और ये जो फोन आ रहा है एक्सिन्स की तरफ से 850 चिपसेट के साथ जो कि कोर चिपसेट है 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है और यहाँ पर एल फीडी फोर एक्स का रैम ई एम एम सी फाइव का स्टोरेज टाइप रहने वाला है कैमरा के लिए जो फोन है आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि पीछे की तरफ है 50 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहने वाला है थ्री पॉइंट ऑडियो mm चेक रहने वाला है सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है साइड माउंट सिंगर सेंसर रहने वाला है सिक्स थाउजेंड एम एच बैटरी है और इनबॉक्स आ रहा है 15 वाट का एडेप्टर के साथ अगर आप सैमसंग के अगर आपका बजट है नाइन थाउजेंड या टेन थाउजेंड रुपीज के आसपास में तो आप जोरू सैमसंग गैलेक्सीटीन की तरफ देख सकते हो मेरे लिस्ट में जो थर्ड फोन रहने वाला है वो एक ऑलराउंडर फोर जी फोन रहने वाला है की के लिए भी अच्छा है जिसको चाहिए ज्यादा एमएच की बैटरी उसके लिए तो परफेक्ट फोन रहने वाला है टेक्नो की तरफ से आता है टेक्नो फोवा थ्री इस सेल में इसका जो प्राइस रहने वाला है टेन थाउजेंड रुपीज के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो तो लाजवाब है जैसे कि यहाँ पर बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा सिक्स पॉइंट नाइन इंच फुल एस प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल नाइनटी हर्ट्स का स्मूथ रिफ्रेश रहने वाला है मीडिया की तरफ से जी एटी एट से ट्वेल्व नाइनोमीटर पर बना हुआ है यहाँ पर है फिफ्टी मेगा का ट्रिपल कैमरा सेटअप और यहाँ पर है एट मेगा का सेल्फी कैमरा डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव रहने वाला है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है इस फोन का जो सबसे बड़ा अगर आपको टेक्नो जैसा ब्रांडिंग का फोन आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपके लिए भाई रेडमी ने टेन थाउजेंड रुपीज में कमाल की डिवाइस को लेकर आ चुका है जिसका नाम रहने वाला है रेडमी नोट इलेवन और ये फोन मेरे लिस्ट का फोर्थ नंबर फोन रहने वाला है इसका जो प्राइस है टेन थाउजेंड रुपीज के आसपास में रहने वाला है इस सेल में और उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है जैसे कि सिक्स पॉइंट फोर थ्री इंच के साथ आ रहा है नाइनटीर्स का स्मूथ रिफ्रेश रहने वाला है कॉर्निंग थ्री का प्रोटेक्शन है और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपडेन की तरफ से सिक्स एटी चिपसेट जो की गॉक्टाकोर चिपसेट है एलपीडी फोर एक्स का रैम रहने वाला है पीछे की तरफ है क्वाट कैमरा सेट 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर 8 मेगापिक्सल पिक्सल के लिए और टू टू करके दो सेंसर रहने वाला है इसका जो सेल्फी कैमरा रहने वाला है थर्टीन मेगा पिक्सल डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव रहने वाला है यहाँ पर है साइड फिंगर फिंगरप्रिंट सेंसर फाइव थाउजेंड एम एस का बैटरी इनबॉक्स आ रहा है थर्टी थ्री का एडेप्टर के साथ अगर आप Redmi के अलावा अगर आपका बजट है टेन थाउजेंड रुपीज तो अब आग बंद करके Redmi Note 11 को परचेस कर लीजिए हाँ मुझे पता है आपको टेन थाउजेंड रुपीज में 5G फोन परचेस करना है देखो तो भाई सस्ते में 5G फोन एक ही ब्रांड आपको ऑफर करेगा जो है Poco और मेरे लिस्ट का आखिरी फोन रहने वाला है Poco M4 ये जो फोन है फाइव के साथ साथ अदर स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छा सा ऑफर कर रहा है इस सेल में इसका जो प्राइस रहने वाला है नाइन और उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है वो तो कमाल की रहने वाला है सिक्स पॉइंट फाइव इंच एस डी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ आ रहा है नाइनटी हर्ट्स का स्मूथ रिफ्रेश रेट रहने वाला है है्री का प्रोटेक्शन भी है और यहाँ पर मीडिया टेक डायमें सेवन हंड्रेड से चिपसेट जो की और चिपसेट है 7 पर बना हुआ है एलपीडी फोर एक्स रैम के साथ आ रहा है ये फिर का स्टोरेज टाइप रहने वाला है पीछे की तरफ है डुअल कैमरा सेटअप फिफ्टी मेगापिक्सल और टू मेगापिक्सल और इसका जो सेल्फी कैमरा रहने वाला है एट मेगापिक्सल सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है थ्री पॉइंट फाइव एम ऑड्यूचे रहने वाला है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी है फाइव थाउजेंड एम एच की बैटरी है और इनबॉक्स आ रहा है एटीन वाट का एडेप्टर के साथ आपको चाहिए सस्ते में फाइव जी फोन तो पोको एम फोर से बेटर फोन नहीं रहने वाला है तो आप इस फोन को परचेस कर लीजिए तो ये तो था टॉप फाइव फोन का लिस्ट तो मेरे लिस्ट से कौन सा फोन आपको अच्छा लगा है और कौन सा फोन आप परचेस करने के लिए सोच रहे हो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बता सकते हो तो क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग रहता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हो आपका एक लाइक इस वीडियो को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रख दीजिए